वर्ब का वो फॉर्म जो सेंटेंस को बनाने का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, फर्स्ट होता है और जो अपने सब्जेक्ट और टाइम के अनुसार चेंज करे उसको फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। तुम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हो, ध्यान रखना, सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से नहीं, सेंटेंस को तुम आइडेंटिफाई करते हो फाइनाइट वर्ब से। जैसे देखो, अगर मैं आपके पास एक सिंपल सा सेंटेंस, राम वेंट टू मार्केट बॉट अ पेन, सेंटेंस गलत क्यों लग रहा है? बिकॉज आपके सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब्स डाले हुए हैं और बाय दैट सेंटेंस में जितने फाइनाइट वर्ब होंगे, याद रखेंगे, उतना ही सेंटेंस इसमें माना जाएगा। अगर दो फाइनाइट वर्ब है तो यहां पे दो सेंटेंस हो गया, और अगर दो सेंटेंस है तो उसको जोड़ने के लिए आपको एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। जो आपने सुना होगा, कंजंक्शन इज द वर्ड दैट कंबाइंस टू सेंटेंसेस। द फैक्ट इज दैट कि अगर उसको प्रैक्टिकली बोला जाए तो कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कंबाइंस टू फाइनाइट वर्ब्स। दो फाइनाइट वर्ब को कंबाइन करने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सेंटेंस को, अच्छा, अगर ये देखने में तो एक ही सेंटेंस है ना, अंतिम में फुल स्टॉप लगा हुआ है, बट एक्चुअली ग्रामेटिकली स्पीकिंग देर आर टू सेंटेंसेज इन दिस सेंटेंस। पहले सेंटेंस का आइडेंटिफाइंग मार्क है वेंट, सेकेंड का बॉट, और आपका सेकेंड सेंटेंस में सीधे वर्ब से शुरू हुआ है बिकॉज यू नो कि यहां का सब्जेक्ट यहां भी इन्वॉल्व है, और एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट को दो बार रिपीट नहीं करते। सो अगर आपके सेंटेंस को बनाना है तो सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। अगर मैं इस सेंटेंस को ये लिखूं तो ये सेंटेंस, चलो अब फिर से तुमको नहीं पढ़े हुए तो खराब लग रहा होगा, ये पढ़े हुए तो अच्छा लग रहा है। ये सेंटेंस में अभी जितना तो आपने समझा है, फाइनाइट वर्ब कितना है? एक। अब कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है सेंटेंस में। अगर आपके पास रिटर्न कंट्रोल है तो आप 50 नॉन फाइनाइट वर्ब लगा सकते हो, कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मीनिंग क्या आता है, दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। अच्छा, एक बार बताएं, आपके यहां आपके ग्रामेरियंस ने, सो कॉल्ड, जिन्होंने हिंदी में ग्रामर को कन्वर्ट किया, उन्होंने सब चीज का हिंदी इक्विवेलेंट दे दिया, नाउन का संज्ञा बता दिया, वर्ब का क्रिया बता दिया, प्रोनाउन का सर्वनाम बता दिया, उन्होंने पार्टिसिपल का कोई हिंदी बनाया, जेरंड का कोई हिंदी बनाया, इन्फिनिटिव का कोई हिंदी बनाया उन्होंने? तो सर एक बात समझो कि इस इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल का हिंदी में इक्विवेलेंट नहीं है। एक्चुअली फॉर दैट मैटर मैं आपको बताऊं कि ग्रामर में किसी का भी हिंदी में इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आपने मान लिया कि वर्ब मतलब क्रिया होता है तो सेंटेंस में यहां पे भी दो क्रिया है और यहां पे भी दो क्रिया है, वर्ब का मतलब क्रिया होता है तो। लेकिन अंग्रेजी में क्रिया सेम नहीं, अगर अगर ये क्रिया है ही है, अच्छा क्रिया है या नहीं, काम है कि नहीं, तो फिर तुमको राम गोइंग पढ़ने में खराब क्यों लग रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं, आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाने में क्या प्रॉब्लम है कि ऑक्सिलरी वर्ब आपको लगाने का मन कर रहा है? क्रिया है ही है, ये करता है ही है, तो ठीक है, करता है, क्रिया है, सब काम हो ही गया। अब आप एक बात समझें कि अगर आपने क्रिया लिया तो क्रिया यहां था, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर उसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट किया जाए तो क्रिया बनाने के लिए कंडीशन दिया हुआ है। अगर आप उसको क्रिया बनाना चाहते हो तो भीतरी और बिफोर के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ेगा, इसीलिए आपको यहां पे यूज करना पड़ रहा है। एक और, आई वॉन्ट
to go to his home. To talk to him. To convince him. To restart his preparation after failing in the exam. Conjunction nahi lagane ka man kar raha hai kya? क्रियाएं तो बहुत सारी हैं. कंजंक्शन यूज करने का मन कर रहा है कहीं पे? सर यहां पे आप ध्यान दो, 1, 2, 3, 4, 5 पांच क्रिया लगा हुआ है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है. ऑल दीज आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स. और वही मैंने बोला कि अगर आपको लिखने आता है तो सेंटेंस में 50 नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल कीजिए, देयर विल बी नो नीड ऑफ एनी कंजंक्शन. बट एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब यूज हुआ, बिना कंजंक्शन के ये यूज नहीं होगा. एंड दिस इज द प्रॉब्लम. अगर आपको अच्छा आई वॉन्ट प्रेजेंट टेंस में टू गो फेलिंग सब लगा, ठीक है, मैं यहां पे गोज कर देता हूं, क्या वो बॉट सही रहेगा? होगा फाइनाइट वर्ब होगा तो उसका टाइमिंग भी एक तरह का होना चाहिए, लेकिन आई वांटेड भी अगर होगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, वो सब टू बी वन वाला आईएनजी वाला सब ठीक है. यहां पे आई वुड लाइक भी होगा तो भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब को टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, इसको टाइम से कोई मतलब नहीं है, इसको कंजंक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसको सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लुरल होने से कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है इसको. जबकि इसको टाइम से मतलब है, सब्जेक्ट से मतलब है, और एक से ज्यादा लगेगा तो कंजंक्शन से मतलब है. यहां गोज करने पे लोग काट देंगे कि यार अगर ये गोज ठीक है तो बाइज वहां कीजिए, नहीं तो यहां वेंट रखिए. टाइम से मतलब है ना, मैं यहां पे गो कर दूं फिर कहोगे कि इसमें ईएस लगाओ. सब्जेक्ट से मतलब है ना, कंजंक्शन से मतलब है ना. सो फाइनाइट वर्ब को सब चीजों से मतलब होता है, उन तीनों चीजों से, और उन तीनों चीजों से किसी से भी कोई मतलब नहीं है. अब ये आई वांटेड रखें, आई वांट रखें, सब चीज सेम. ही वांट्स रखें तो भी सब चीज सेम. सो नॉन फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस में सिर्फ यूज किया जाता है बिना सब्जेक्ट को टारगेट किए हुए, टाइम को टारगेट किए हुए, लेकिन वॉइस टारगेट तो होगा. वॉइस तो टारगेट होगा कि वो टू बी वन के फॉर्म में जाएगा कि टू बी थ्री के फॉर्म में जाएगा. वॉइस टारगेट होगा, टेंस से मतलब नहीं है, सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो टू बी वन कुछ और हो जाएगा. क्लियर, समझ रहे हो आप? दिस इज डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. फाइनाइट अगर एक से ज्यादा लगा कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, नॉन फाइनाइट जितना भी लगाना है, कोई सब्जेक्ट हो, कोई टाइमिंग हो. अब अगर इसको तुम देखो तो अभी इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं बता रहा हूं. कोई गलती लग रही है सेंटेंस में? इसका कोई टाइमिंग है? कोई टाइमिंग है क्या इसका? तो बस बात खत्म हो गई. बॉट लगा हुआ है, एक वर्ब है, कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है. सेंटेंस में वर्ब फाइनाइट वर्ब एक ही है, ये दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब है. इसको टाइमिंग से बदलने के बॉट को देखते हुए इसका भी टाइमिंग बदला जाए. हां, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं तो आप जरा समझो, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब ये हो गया एक फाइनाइट, दूसरा फाइनाइट. अब इसके पहले कंजंक्शन लगाइए, उसके पहले आप कंजंक्शन का इस्तेमाल करें. गेटिंग? हां, हाउ टू यूज दैट विष्टु? अब ये अब प्रॉब्लम ये है ना कि इसको आप अभी इंडिपेंडेंटली समझिए. ग्रामर किताब से कंफर्म करना चाहिएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी नहीं आपको किताबों में.
नॉन फाइनाइट के एक्टिव एंड पैसिव के फॉर्म्स। जो मैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट की बता रहा था, जब आप सेंटेंस बनाना शुरू करोगे तो कम से कम एक चाहिए, एक से ज्यादा लगेगा तो कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ये कितना भी लगे वॉइस इसका आप देख लो। हाँ, इसको यूज करने में आप अगर ध्यान से देखो तो ग्रामर ने इसको तीन पार्ट में बांट दिया है। टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जेरंड, वो जो पार्ट है ना उसको इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल कहा जाता है। लेकिन अच्छा, ऑब्जेक्ट किसी का भी आ सकता है, हम इसको किसी भी तरीके से, हम बेसिकली इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ग्रामर में इसको कहा जाता है ना कि यू कैन यूज इट एज ए नाउन, नाउन के तौर पे यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हो। एक और बेसिक फैक्टर, आप अगर V3 और V4 को अगर टारगेट कर लो तो मुझे लगता है कि बेसिकली आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट डे कहा, मैंने शायद आपको बताया था कि V3 कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव, V3 कैन बी यूज्ड एज पार्टिसिपल बोल सकते हो, एंड V3 कैन बी यूज्ड एज वर्ब इफ यूज्ड विथ ऑक्सिलरी वर्ब। यहां पे इसको फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव, गेटिंग। V4 कैन बी यूज्ड एज, इसमें एक और जुड़ जाता है, नाउन एडजेक्टिव पार्टिसिपल, एंड अगर वर्ब बनाना होगा फाइनाइट वर्ब तो यू नीड टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल। अब सपोज करो मैं इसको नाउन के तौर पे यूज कर रहा हूं V4 को, सपोज एक वो सेंटेंस जो आपको बचपन से पढ़ा हुआ, देखो तो इस इज का सब्जेक्ट कौन है, एंड फॉर दैट मैटर इट स्टैंड्स एज ए नाउन, ये नाउन है। पढ़ने में क्यों अच्छा लग रहा है, बचपन से पढ़ा हुआ है। अब नाउन का एक शक्ल और दे रहा हूं, देखो तो नाउन ये नहीं दिखाई पड़ेगा। अब आपको सीखना है ये नाउन है या नहीं। अब मैं अगर आपसे पूछूं सिंपल सा कि वॉकिंग को तुमने नाउन क्यों माना, वॉकिंग को तुमने नाउन क्यों माना, क्योंकि इज का सब्जेक्ट चाहिए था। अब मैं फिर पूछ रहा हूं इस इज का सब्जेक्ट कहां है, इज का सब्जेक्ट बताओ, क्या ये अचीवमेंट है आपके इस प्रीपोजिशन के बाद अगर आया है तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और अगर ये नहीं है तो आपका नाउन कौन सा हुआ। सो इसके यूज में बहुत वैरायटी होता है, इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। अब ये आपका चुकी नाउन है सो ग्रामर क्वालिफाइज इट टू बी अ जेरंड। लेकिन हम लोग किताबों ने जेरंड को कैसा करके रखा हुआ है, आईएनजी, जब आईएनजी के जस्ट बाद इज वाज लग जाए बस तब हमको लगता है कि वो जेरंड है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आपका कोई भी वर्ब का फॉर्म, कोई भी वर्ब का फॉर्म अगर वो नाउन के तौर पे क्वालिफाई हो रहा है, नाउन के तौर पे कैसे क्वालिफाई होगा, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो तो एक और नाउन, देखो तो वांट के बाद आया हुआ नाउन है कि नहीं है, नाउन है या नहीं, नहीं है।
नाउन है कि नहीं? ऊपर वाला पेन तो कम से कम नाउन होगा ना भाई, हर आदमी हो भाई। हाँ नाउन है ये पेन इस वांट का क्या जवाब दे रहा है? ऑब्जेक्ट क्यों मान रहे हो? व्हाट का जवाब दे रहा है कि नहीं? आई वांट व्हाट पेन। नीचे वाले में आ जाते हो, आई वांट व्हाट। लेकिन हम लोगों को देखने की आदत पड़ी हुई है ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, दिस नाउन, दैट नाउन, ये कुछ भी हो सकता है भाई। ये भी वैसा ही ऑब्जेक्ट है जैसा ये ऑब्जेक्ट था, नहीं ऑब्जेक्ट है ये भी तो आपके वर्ब के व्हाट का जवाब दे रहा है क्या? आई लाइक लिख दिया, यू लिख दूं, हां ऑब्जेक्ट हो गया ठीक। गड़बड़ है, मुझे खेलना पसंद है। लेकिन यू लिखें, राम लिखें, तो हमको अपना स्कूल वाला वर्सन समझ में आता है, वो सीधा ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। प्लेइंग लिखने के बाद भाई जो भी वर्ब के व्हाट या होम का जवाब देगा दैट विल स्टैंड एज एन ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और, अब ये दोनों वर्ड को जरा क्लियर करो। नाउन है नहीं, वो स्ट्रक्चर वाला एसवीओ वाला एस वी, इन दोनों को डिसाइड करो। अच्छा एक बात ध्यान रखो, लाइक का ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट। आई लाइक व्हाट? प्लेइंग व्हाट? प्लेइंग व्हाट? आप ध्यान दो कि क्रिकेट प्लेइंग के व्हाट का जवाब दे रहा है। क्या खेलना पसंद है? क्रिकेट खेलना। गेटिंग? अब आप एक रूल याद रखो, जैसे देखो इस इज का सब्जेक्ट। अच्छा ये फिर मत पकड़िएगा कि ये कंजंक्शन है तो उसमें सेंटेंस एक ही में वर्ब एक ही है, वो छोड़ देते हैं। व्हेन का इस्तेमाल देख लेंगे कैसे करते हैं, अभी छोड़ दीजिए फिलहाल। इस इज का सब्जेक्ट टू इट। आप यहां पे टू वॉक कर सकते हो कि नहीं? टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, कर सकते हो या नहीं? एकदम कर सकते हो। जेरंड भी बन सकता है, इन्फिनिटी भी सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन हो सकता है, वो यहां पे सब्जेक्ट है ना। अब ये राइस क्या हुआ? किसका? ईट का ऑब्जेक्ट है। अब तुम्हारे दिमाग में अगर कन्वेंशनल ग्रामर बैठेगी तो अब तुम ये बोलोगे कि ये तो खुद सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे आ सकता है। बट ध्यान रखेंगे कि इनमें से इन इससे बनने वाला वर्ड नाउन होता है कि नहीं होता है? नाउन होता है ना, और इनको ग्रामर बोलती है वर्बियल नाउन, वर्ब से बना हुआ नाउन अपने जगह के अनुसार। ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, गेटिंग? ये वर्ब से बना हुआ नाउन नहीं है, ये आपका कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन है। और वर्बियल नाउन के साथ ये रूल है कि चाहे तुम उसको सब्जेक्ट बनाओ चाहे उसको ऑब्जेक्ट बनाओ, वो अपना ऑब्जेक्ट एक लेके आ सकता है। समझना, वर्बियल नाउन चाहे सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, वो अपना एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट लेके आ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी इज का सब्जेक्ट यही है, इस राइस को इस ईट का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अब ये कभी मत सोचेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, ये वर्बियल नाउन है। आप देखो यहां पे, यहां सब्जेक्ट बना इसका ऑब्जेक्ट आ गया, यहां पे ऑब्जेक्ट बना इसका ऑब्जेक्ट आ गया, आया नहीं है? सो वर्बियल नाउन के साथ ये है कि आप स्ट्रक्चर वाइज उसको नाउन के तौर पे यूज कर सकते हो,
इसको आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हो। देखो जरा, हमने इसको पैसिव वॉइस में यूज किया है। सो वर्बियल नाउन के साथ एक इंटरेस्टिंग है, उसका ऑब्जेक्ट आ सकता है, उसका पैसिव वॉइस बन सकता है और वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर है? आपका एक वर्बियल नाउन बींग यूज एज अ नाउन बट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्यों? क्योंकि इसका डूअर नहीं है। मतलब आप जब सोचें कि वो नाउन का पैसिव वॉइस भी हो सकता है तो ऑब्जेक्ट आदमी कौन आफत है? यहां पे नाउन प्योर है। क्यों? इनट्रांजिटिव वर्ब था भाई, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इसीलिए मैंने वॉइस पहले पढ़ा दिया था ना कि कम से कम ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव एक्टिव पैसिव समझ लो क्यों लगा हुआ है। इनट्रांजिटिव है ना भाई, व्हाट होम लगेगा क्या इसके साथ? नहीं, तो फिर आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है इसीलिए बिना ऑब्जेक्ट का आ गया है। ट्रांजिटिव वर्ब था इट, व्हाट ट्रांजिटिव वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट लगाया। हाँ ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया है। सो चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब नाउन के तौर पे यूज होगा, वो अपना ऑब्जेक्ट साथ में लेके आ सकता है। क्लैरिटी है? आप उसको नाउन के तौर पे यूज करो, एडजेक्टिव के तौर पे यूज करो, पार्टिसिपल के तौर पे यूज करो, और इसी को नहीं जानने के चलते वो भी डिस्टर्ब रहता है। उसमें जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें पढ़ना क्या है? टेंस। वहां पढ़ना है टेंस, यहां पढ़ना है इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। और जब तक ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा टेंस में कहीं भी, अब जैसे देखो राम, मैं इसको छोटा कर रहा हूं, अपॉइंटेड विल वर्क वेल। अब दिमाग खराब हो जाएगा भाई, बगल में अपॉइंटेड लगा हुआ है भीतरी सॉरी पास्ट टेंस, उसके बगल में फ्यूचर लगा हुआ है, दोनों अगल बगल है। अब एकदम देखने में खराब लगेगा अगर स्कूल वाला कंसेप्ट डालें तो। लेकिन अगर ये देखें राम विल वर्क वेल और बीच में एक नॉन फाइनाइट वर्ब जिसका कोई टाइमिंग नहीं होता है, तो अब ये स्ट्रक्चर वाइज ठीक लगेगा। हाउ टू यूज दिस, इसको कैसे यूज करना है, कहां हम यूज करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। अभी वो हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करना है। बट तुम्हें ये देखना है कि आपका वो जो भी थ्री है, भी फोर है, या फॉर दैट मैटर इसमें से कोई भी हो, कैसे यूज करते हैं। अब क्लियर हुआ कि नाउन के तौर पर भी पैसिव वॉइस हो सकता है, अपना ऑब्जेक्ट लेके आ सकता है, बस डिसीजन इसके चलते वो नाउन है।